हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे डियर, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। एंड डियर, मेरे चैनल दीपिका टैरोट पॉइंट में आप लोगों का फिर से वेलकम है, स्वागत है, एंड दिल से वेलकम है यार। सबसे पहले दिल से थैंक यू आप लोगों की प्यारी प्यारी कमेंट्स के लिए, सब्सक्राइब के लिए, एंड डियर सपोर्ट करने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच डियर, थैंक यू वेरी मच। एंड आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की नज़रों में आप कैसे इंसान हैं, आखिर वे आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी इंटेंशन क्या रहती है, हमेशा क्या सोचते हैं, आपको किस नज़र से देखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, अपने दोस्तों से अगर बात करते हैं तो किस तरह से बात करते हैं, अपने घर परिवार में अगर आप लोग कॉन्टेक्ट में हैं, आप तो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, फैमिली मेम्बर्स जानते हैं, तो उनके सामने आपका जिक्र किस तरह करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं नहीं करते हैं, तो ये सारी जानकारी आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पॉजिटिव होना है डियर, क्योंकि अगर रीडिंग रेजोनेट करानी है तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए डियर, दिल थाम कर बैठ जाइए, देखते हैं आपके पार्टनर आपको कैसा इंसान समझते हैं, उनकी लाइफ में आपकी अहमियत क्या है, आप इम्पोर्टेंट्स हैं या नहीं हैं। एंड डियर, आज मैं ऑफ कैमरा ये वीडियो बना रही हूँ या रीडिंग कर रही हूँ, तो यार बिकॉज़ यार थोड़ा सा मेरा सेटअप ख़राब हो गया है, तो इसीलिए, एंड जल्दी ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा से ना ऑन कैमरा वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी चलिए देखते हैं आपके पार्टनर्स की फीलिंग आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं, उनकी नज़रों में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह पॉजिटिव हो जाइए, अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, आपका अपना चैनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने कार्ड्स निकाल कर रख लिए थे यार, चलिए देखते हैं। ओह माय गॉड यार, देखिए यार, आपके जो पार्टनर है ना, आपको बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं अपनी लाइफ में। मतलब कि अभी देखिए, आप लोगों में ना बहुत सारे लोग ऐसे जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बावजूद भी ये पर्सन आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड आपकी जो अच्छाइयाँ थी, आपका इनोसेंट फेस, आपकी प्यारी प्यारी सी आँखें, आपका लुक बहुत ज़्यादा उन्हें बार बार याद आता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, हमेशा 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 आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड आपसे दूर होकर यार, आपकी वो खूबियाँ, आपकी वो अच्छाइयाँ उन्हें बहुत याद आ रही हैं। ये उनके लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। याद है डियर, जब आप लोग कॉन्टैक्ट में थे तो आप किस तरह से अपने पार्टनर से बात करते थे, है ना, कितनी अच्छी एनर्जी आती थी, कितने अच्छे तरह से बिहेव करते थे, आपका रूठना मनाना उन्हें बहुत याद आता है। आपको याद होगा कि जब कभी आप रूठ जाते थे तो वो आपको मनाते थे, एंड कभी वो रूठ जाते थे तो आप मनाते थे, तो वो रूठना मनाना उन्हें बहुत याद आता है। एक वो चीज़ थी, वो सब कुछ ना, वो चीज़ें उन्हें अभी भी याद आती हैं। एंड कभी कभी ऐसा होता था ना कि कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ एक प्राइवेट मोमेंट होता है, जो सिर्फ आप दोनों के बीच का था, वो मोमेंट उन्हें याद आता है। कभी कभी आप जब एकदम से नई ड्रेस पहनकर उनके सामने जाते थे, फीमेल जो भी हैं, तो यार वो कितने खुश होते थे, आपकी कितनी तारीफें करते थे, वो टाइम उन्हें याद आता है। उस जो कलर आप पर सबसे बेस्ट लगता है उन्हें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके आपको जो याद करते हैं ना उस ड्रेस में, उस कलर में, क्योंकि वो परफेक्ट कलर आप पर बिल्कुल सूट करता था, सॉरी फेवरेट कलर था वो आप पर सूट करता था, वो एकदम से उन चीज़ों को याद करते हैं, आपका हंसना, आपका बोलना, आपकी सारी वो फीलिंग्स। मुझे यार महसूस हो रही कि कितना अच्छा वक्त था जिस टाइम वो आपसे इतना प्यार करते थे, तो वो सारी बातें उन्हें याद आ रही हैं। वो उस टाइम को सोच रहे हैं कि आखिर क्यों दूर हो गए हम यार, इतना प्यार था हम दोनों के बीच में, किसने आग लगा दी है बीच में। तो यार ये बात अभी हम नहीं करेंगे किसने आग लगाई है, आज हम सिर्फ ये देख रहे हैं उनकी नज़रों में आप क्या हैं। दूर रहने के बाद भी उनकी फीलिंग यार आपके लिए इतनी पॉजिटिव है, इतने चेहरे उनकी आँखों के सामने आए हैं और गए हैं, लेकिन
आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एनर्जी बहुत अच्छी है उनकी तरफ से। एंड ये जो लोग कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं ना, आपके पार्टनर भी डियर आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली आपका जो इनोसेंट फेस है, आपकी जो प्यारी सी मुस्कान है, एंड आप जब कुछ पाते हैं ना एकदम से कहते कहते शर्मा जाते हैं, रुक जाते हैं, वो चीज़ें आपके पार्टनर को बहुत पसंद आती है आपकी, आपका शर्माना, यू नो आप कितना ज़्यादा शर्माते हो यार, तो वो भी आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। आपका एक कॉन्फिडेंस है उन्हें कि आपके ऊपर कि आप जो बोलेंगे ना सच बोलेंगे। आपका बेझिझक सबका साथ देना, आपका दूसरों के बारे में सोचना, ये आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। एंड कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए जो एक एनर्जी आती है ना, जो एक इमेज बनी हुई है, वो एक ऐसे इंसान की बनी हुई है जो बिल्कुल परफेक्ट है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, एकदम से यू नो आपकी जो आदतें हैं ना, जो सबसे अलग आदतें हैं आप, वो उन्हें बहुत पसंद है। इनफैक्ट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर को आपकी रेड ड्रेस बहुत पसंद आती है, जब आप रेड ड्रेस में उनके सामने जाती हो तो, बिकॉज़ ये फीमेल्स के लिए है, तो यार यू नो तो रेड ड्रेस बहुत पसंद आती है। रेड ड्रेस में आपको इमेजिन करते हैं कि वाओ यार कितनी सुंदर, जस्ट लाइक वाओ, है ना, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड बहुत से लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं जिनके पार्टनर ना उन्हें एक ब्लैक ड्रेस में पसंद करते हैं। ब्लैक ड्रेस इज़ द फेवरेट कलर योर पार्टनर, एंड वो आपसे ब्लैक ड्रेस में बहुत ज़्यादा आपको इमेजिन करते हैं कि आप ब्लैक ड्रेस में ऐसे लगते हैं, आप वैसे लगते हैं। अगर आप यू नो बहुत से पार्टनर्स हैं जिनको पसंद है कि आप पायल पहने, यार पायल पहनना आपके पार्टनर को बहुत पसंद है, वो चाहते हैं कि आप पायल पहने। एंड यू नो कभी कभी आपके पार्टनर के अंदर एनर्जी आती है कि वो आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, पायल, बेंगल्स, एंड कभी कभी वो चाहते हैं ना कि आपको एक प्यारा सा लॉकेट गिफ्ट करें, क्योंकि आप उन्हें बहुत सुंदर लगते हो। आपके अलावा उनकी नज़रों में आज तक कोई भी अच्छा नहीं लगा है, इतने सारे चेहरे उनके सामने आए हैं और गए हैं, लेकिन आप सबसे बेस्ट हो यार। तो यू नो एक ऐसे पर्सन की इमेज, मतलब आपको एक एज ए पर्सन देखते हैं कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप एकदम से परफेक्ट हो यार। एंड आपका जो एक प्यार करने का अंदाज़ है ना, आपका रूठना, मनाना, थोड़ा गुस्सा करना, यार यू नो आप गुस्सा भी करते हो अपने पार्टनर पर, बट उनको ना ये सब बहुत अच्छा लगता है। वो कभी कभी नाराज़ होते हैं आपकी इन हरकतों से कि आप गुस्सा कर रहे हो, नाराज़गी है, बट यार प्यार भी बहुत करते हैं, एनर्जी बहुत अच्छी है। एंड फाइनली अभी भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ आपके पार्टनर्स की, तो वो आपको बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप अगर उनके पास हैं तो सब कुछ है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर उनसे दूर रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, रात को सो नहीं पाते हैं, एंड यू नो अपने फैमिली मेम्बर से भी ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बहुत से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है जिन लोगों की, उनमें फैमिली मेम्बर्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो आपका वो इनोसेंट फेस एंड वो प्यारी प्यारी मुस्कान, प्यारी बातें, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। एंड यू नो आप उनकी नज़रों में एकदम से हीरो हो यार, हीरो, अगर मेल है तो हीरो और यू नो फीमेल है तो हीरोइन, यार आप बिल्कुल एकदम से उनके लिए बिल्कुल एक अप्सरा हो, एक ऐसा एंजल हो, एक ऐसा गिफ्ट हो, गॉड गिफ्ट हो, जो भगवान ने बिल्कुल उनको ही दिया है यार। वो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं यार आपको पाकर, तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बिना रहना उनसे नहीं हो पा रहा है और ना ही हो पाएगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एनर्जी बहुत अच्छी है, आपके बिना महसूस नहीं होता उन्हें कि आप इनसे दूर हैं, बिकॉज आपको ना बिल्कुल अपने अंदर महसूस करते हैं वो। तो डियर अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच डियर, थैंक यू अगेन, बाय बाय।